हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भारत दर्शन व्लॉग। सारनाथ की पावन भूमि पर आपका स्वागत है। हमने आपको बौद्ध गया के अलग अलग मंदिरों का दर्शन करवाया और उसी तरह सारनाथ के डिफरेंट टेम्पल्स, जो अलग अलग देशों के मंदिर यहां बने हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, यहाँ के मंदिरों का दर्शन भी आज करवाएंगे। तो चलिए आज हम अपने यात्रा की शुरुआत करते हैं मूलगंध कुटी बिहार, जो कि यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है। ये मंदिर का गेट है, आप देख रहे होंगे, मूलगंध कुटी विहार। ये गेट श्रीलंका के द्वारा बनवाया गया है। चारों तरफ हरियाली है, इस मंदिर की हरियाली, करीने से सजाए गए घास, यहाँ का बगीचा मन को मोह लेता है, मंदिर की खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। यह मंदिर काफ़ी लोकप्रिय है और पूरी दुनिया भर के लोग यहाँ आते हैं भगवान बुद्ध के दर्शन करने के लिए, यहाँ के वातावरण की शांति को महसूस करने के लिए। ये सामने आप मंदिर देख रहे होंगे। अब उस जगह पर हम प्रवेश कर रहे हैं, उस जगह पर जा रहे हैं जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, पांच भिक्षुओं को दीक्षित किया था धर्म के मार्ग में, धर्म चक्र परिवर्तन। और एक चीज़ आपको दिखाने जा रहे हैं, ये घंटा मेरे पीछे जो आप बेल देख रहे हैं, बड़ा सा घंटा देख रहे हैं, इस बेल को बनवाने में 1 करोड़ रुपया खर्च हुए हैं। अब हम आपको उस जगह पर ले जा रहे हैं जहां भगवान बुद्ध के पांच शिष्यों को दिखाया गया है, जिन पांच भिक्षुओं को भगवान बुद्ध ने पहली बार ज्ञान का उपदेश, धर्म का उपदेश दिया था, और जिस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो चलिए हम उस जगह आपको ले चलते हैं। ये बहुत ही क्रांतिकारी क्षण था मानव जीवन के इतिहास में, मानव सभ्यता के इतिहास में शायद ऐसे पहली बार हुआ था कि धर्म के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया था। और ये धर्म, भगवान का धर्म पूरे दिग्दिगंतर में फैला, पूरी दुनिया में फैला। भगवान बुद्ध की खूबसूरत विग्रह आप देख रहे हैं सामने। ये निर्माण तरीके से धर्म की गति आगे बढ़ती रहे, धर्म के निरंतर चलने का परिचायक है। लोग यहाँ आते हैं और चक्र को घुमाते हैं, पर जो धर्म का चक्र है हमारे अंदर भी चलना चाहिए। ये तो मात्र प्रतीकात्मक हैं, कई धर्म प्रतीकात्मक चीज़ों में ना खो जाए, इसका हमें ख्याल रखना होगा। और भगवान की अन्य मूर्तियाँ यहाँ पर हैं। फिर से हम आपको दिखा रहे हैं उस खूबसूरत दृश्य को, नज़र हटते हटाए नहीं हटती, वो क्षण याद आ जाते हैं आज से 2500 साल पहले, जब भगवान इस धरती पर आए, इस धरती को पावन बनाया, धर्म का मार्ग पूरी दुनिया को बताया। आप देख रहे हैं सारनाथ में भगवान बुद्ध की पुण्य भूमि। चलिए अब मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। इस मंदिर के परिसर में, अंदर मंदिर में लोग बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं। मेरे सारनाथ यात्रा का दूसरा दिन है और आज भगवान बुद्ध की जयंती भी है, और आज आपको घुमाने लाया हूँ सारनाथ के भगवान बुद्ध के सबसे खूबसूरत मंदिर, वटथाई मंदिर। जैसे ही आप गेट के अंदर प्रवेश करेंगे तो राइट साइड में ये बगीचा है, और यहाँ पर क्या क्या मंदिर के बारे में जो प्रमुख बातें हैं वो यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है। और गेट ये है, आपको गेट दिखा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत गेट बनाया गया है। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं भगवान बुद्ध की 86 फीट विशाल प्रतिमा। भगवान बुद्ध शांत मुद्रा में खड़े हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं भगवान बुद्ध के विशाल प्रतिमा के रहस्य के बारे में।
इस बड़ी प्रतिमा को बनाने में 14 साल लगे हैं। 2 करोड़ की लागत में यह विशाल मूर्ति बनकर तैयार हुई है और थाईलैंड के राजा के सहयोग से इस बड़ी विशाल मूर्ति का निर्माण किया गया है। पीछे का हिस्सा आपको दिखा रहे हैं, ऊपर चढ़ने के लिए भी बनाया गया है, लोहे के छड़ों को मोड़ करके आप देख रहे होंगे। थाई वास्तुशिल्प शैली का बेहतरीन नमूना आप देख रहे हैं। 16 मार्च 2011 को इस विशाल मूर्ति का अनावरण यानी उद्घाटन हुआ था और 815 पत्थर लगे हैं इस विशाल मूर्ति को बनाने में। भगवान बुद्ध की इस विशाल प्रतिमा के बारे में मैंने कुछ बातें आपको बताई और अब आपको बताऊंगा कि आखिर इस विशाल मूर्ति का निर्माण क्यों हुआ। एक्चुअली में ये हुआ कि जब अफगानिस्तान में भगवान बुद्ध के विशाल पुराने मूर्तियों को क्षतिग्रस्त किया जा रहा था, आतंकवादियों द्वारा तोड़ा जा रहा था, तो उसी के बाद इस विशाल मूर्ति का निर्माण शुरू हुआ। या यूँ कहें कि उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप यहाँ भारत में सारनाथ में इस विशाल मूर्ति का निर्माण हुआ। चलिए अब हम आपको उस मंदिर में ले जाते हैं जो इस परिसर में स्थित है, वड़थाई टेम्पल। ये वड़थाई मंदिर है। ये मंदिर देखकर आपको चर्च की याद आ रही होगी। चर्च के डिजाइन में इस मंदिर को बनाया गया है। यही इस मंदिर की खासियत है, बना हुआ है। चलिए अब हम आपको सारनाथ के चाइनीज टेंपल में ले चलते हैं। आप देख रहे हैं मंदिर के बाहर ही ये अशोक स्तंभ है और इसके जस्ट अपोजिट साइड में भगवान बुद्ध की मूर्ति है और ये चक्र है। एक काफी पुराना मंदिर है, 80 साल से ज्यादा हो चुका है इस मंदिर को। आज से 2500 साल पहले जब भगवान बुद्ध धर्म का प्रचार कर रहे थे तो एक समय ऐसा आ गया था कि हर घर में लोग बैठकर ध्यान करते थे, धर्म अपने आचरण में कैसे आए इस बात पर जोर देते थे, इस तरह की साधना करते थे। और आज भी हमारे देश में ऐसे लोग हैं। ये महाराष्ट्र से आए हैं, नांदेड़ से, और एक पूरा परिवार है जो भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलता है और धर्म को अपने आचरण में लाने का प्रयास करता है। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि आज के भारत में जबकि कर्मकांड का बढ़ावा मिलता है, जो धर्म के नाम पर जो रूढ़िवादिता है, जो जातिवाद है, जो पाखंड है, जो अंधविश्वास है, वो फैल रहा है पूरे देश भर में, लेकिन धर्म का जो मार्ग है भगवान बुद्ध का आज भी जिंदा है और घर के सारे लोग उसी मार्ग पर चले, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है।